बात करेंगे दमोह की, जहां दमोह में मारपीट के बाद काफी तनाव की स्थिति बन गई। मारपीट के बाद थाने में हंगामा हुआ, लोगों ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लोगों ने की। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थाने और यहां तनाव के हालात बन गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने थाने से बाहर निकाल दिया। और कुछ देर रात की तस्वीरें आप देखिए, जब पूरे बल के साथ पुलिस पहुंची, लोगों को समझाइश देने की भरपूर कोशिश की गई, बाहर निकालने की कोशिश की गई। मारपीट के बाद थाने में जबरदस्त तनाव की स्थिति बन गई। काफी समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो धक्का मुक्की हुई और इन्हें थाने से बाहर निकाला गया। बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मारपीट के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, थाने में हंगामा हुआ। तो दमोह में मारपीट के बाद तनाव के हालात, मारपीट के बाद लोग पहुंच गए थाने। मांग है कि गिरफ्तारी की जाए आरोपी की जल्द से जल्द। और इसी बीच पुलिस ने सभी को भरपूर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो हल्का बल का प्रयोग करके इन्हें थाने से बाहर निकाला गया। तो आप देखिए, डंडा लेकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अब बात करेंगे अशोकनगर में, पिता ने 5 बच्चों को पिलाया कीटनाशक, पत्नी को भी कीटनाशक पिला दिया, सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। चंदेरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो आप ये देखिए कि पिता ने 5 बच्चों सहित अपनी पत्नी को भी कीटनाशक पिला दिया। अब ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पिता ने ऐसा क्यों किया। बच्चों को तो कीटनाशक पिलाया ही, अपनी पत्नी को भी कीटनाशक पिला दिया, सभी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। चंदेरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का मामला है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और संवाददाता समीर द्विवेदी जुड़ गए। समीर, आखिर कारण क्या थे, पिता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जी, आपको बता दूं, दरअसल ये मामला पहले ही यही बात सामने निकल के आ रही थी कि पिता ने अपनी पत्नी और पुत्रियों को जहर पिला दिया, लेकिन जब बारे में विवेचना उसकी पड़ताल की गई तो मामला उल्टा ही सामने आया। दरअसल शंकरपुर गांव की, चंदेरी क्षेत्र के शंकरपुर गांव की रहने वाली 37 वर्षीय रश्मि अपने पति की मारपीट से बहुत परेशान थी, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी 4 बच्चियों, 13 साल, 11 साल, 9 साल और 6 साल की चारों बेटियों को कीटनाशक दवा गाँव से 4 किलोमीटर दूर आकर पिला दी। घटना के बाद बच्चियों को आनन फानन में अस्पताल भर्ती किया गया, परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पत्नी और उनकी बड़ी बेटी 13 वर्षीय बच्ची की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि पत्नी ने अपने बेटियों को जहर पिलाया और खुद भी कीटनाशक पी लिया। दरअसल पति की प्रताड़ना से काफी परेशान थे और उसके बाद इसने आत्मघाती कदम उठाया। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे खंडवा में 2 बहनों ने जहर खा लिया, एक की मौत हुई, दूसरी बहन का इलाज जारी है। पड़ोसियों से विवाद के बाद इसने जहर खाया था। हरसूद थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर का रुख खंडवा से, 2 बहनों ने खाया जहर, एक की मौत, दूसरी बहन का इलाज जारी। पड़ोसियों से विवाद हुआ था, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथ होकर दोनों बहनों ने जहर खा लिया। हरसूद थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे खंडवा से, संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, ये कैसा विवाद था कि 2 बहनों ने जहर खा लिया? जी रीनू, बिल्कुल, हरसूद थाना क्षेत्र का जो बेड़ियाँ है वहाँ का ये मामला है और वहाँ की जो सुनीता और लक्ष्मी है उन्होंने जहर खाया है। और प्राथमिक रूप से जो जानकारी सामने आई है वो ये सामने आई है कि पड़ोसियों से विवाद हुआ है। परिजन ने ये भी बताया है कि कुछ लोगों ने इनके चरित्र पर भी सवाल उठाए थे, लांछन लगाया था, एक वजह ये भी सामने आ रही है। हालांकि जो वजह है, जो इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की जो वजह है, उसकी जांच में पुलिस जुट गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, जाँच की जाएगी और जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 2 बहनों ने जहर खाया और एक की मौत हो गई, एक इलाज जारी है। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई। मौके पर बम डिस्पोजल दस्ता पहुंचा, चित्रकूट नगर में मिला हैंड ग्रेनेड, खाली मैदान में मिला हैंड ग्रेनेड। तो आप ये देखिए कि हैंड ग्रेनेड यहां से बरामद किया गया है।
चित्रकूट नगर में हैंड ग्रेनेड मिला, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा, डर का माहौल रहा। जाहिर सी बात है, खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद कई सारे सवाल कि आखिरकार ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पर पहुंचा कैसे, क्या इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका पिन खुला हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके का कोई घातक चीज़ मिलेगी आसपास तो इलाके में डर का माहौल होगा ही। इंदौर में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। और अब बात करेंगे मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर दुर्घटना हुई, एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मंडला जबलपुर के ग्वारी गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मंडला से, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर दुर्घटना, एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हुई। दुर्घटना में एक की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये देखिए, जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, क्रेन की मदद लेनी पड़ी यहां पर वाहन को सीधा करने के लिए, और सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मंडला जबलपुर के ग्वारी घाट के पास ये दुर्घटना हुई है। देर रात ही पूरा घटनाक्रम, मौके पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने काफी मदद की और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद की है। खंडवा में रो पड़ी महिला सरपंच, मंच पर रोने का वीडियो वायरल हुआ। कहा फर्जीवाड़ा उजागर किया तो धमकी मिली है, बेटे और पति को फंसाने की धमकी मिली। आयुष्मान कार्ड में उजागर किया था फर्जीवाड़ा। खबर खंडवा से है, जहां पर महिला सरपंच के आंसू निकल पड़े। उनका कहना है कि फर्जीवाड़े का उन्होंने उजागर किया था फर्जीवाड़े को, और इसके चलते उनको धमकी मिली है, बेटी और पति को फंसाने की धमकी मिली। आयुष्मान कार्ड में उजागर किया था फर्जीवाड़ा और इस दौरान उनको धमकी मिली है, बेटे और पति को फंसाने की धमकी के बाद महिला सरपंच स्टेज पर ही रोने लगी, उनके आंसू निकल आए। खंडवा का पूरा मामला, जहां महिला सरपंच रोने लगी। उनका कहना है कि उन्होंने फर्जीवाड़े को उजागर किया और इसके बाद अब उनको उल्टा धमकी मिल रही है। संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, फर्जीवाड़े का उजागर करना, महिला सरपंच को धमकी मिलने लगी, रो पड़ी वो स्टेज पर, क्या कुछ कहना है महिला सरपंच का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा जिले की जो ग्राम पंचायत जसवाड़ी है वहां का ये मामला है, और वहां की जो सरपंच है संगीता जयरासी कुंवर, उनका वीडियो सामने आया है और उनका ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने की थी अधिकारियों को, उनके बेटे के साथ उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद से उनको धमकियां मिल रही है। और ये बात उन्होंने तब उजागर की जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित था और उसके मंच से वो फपक कर रोने लगी। उनका कहना था कि मुझे धमकियां मिल रही है लगातार, मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट कराने की बात की जा रही है, पति को फंसाने की बात की जा रही है, इस तरह से महिला सरपंच अपनी बात कहते हुए फपक पड़ी। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो जिला अधिकारी है वो क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह की कार्रवाई होती है और इस पूरे मामले की जो हकीकत क्या है वो जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगी। अधिकारियों ने भी इस वीडियो के बाद संज्ञान लेने की बात कही है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे अनूपपुर में, पुराने रंजिश के चलते आंख में चूना डालने का अजीब व गरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बिजुरी के क्योंटार में रामायण पाठ के दौरान आरोपी ने पीछे से महेश साहू की दोनों आंखों में चूना डाल दिया। पीड़ित को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से आज भक्त अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। दुर्ग से आज से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह करीब 11:15 रवाना होगी। ट्रेन 906 किलोमीटर की दूसरी करीब 11 घंटे 50 मिनट से तय करके अयोध्या धाम पहुंचेगी। बता दें कि मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने आम जनता से अयोध्या जाने का वादा किया था।
मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से आज भक्त अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। दुर्ग से आज से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह करीब 11:15 बजे रवाना होगी। ट्रेन 906 किलोमीटर की दूरी करीब 17 घंटे 50 मिनट में तय करके अयोध्या धाम पहुंचेगी। बता दें कि मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने आम जनता से अयोध्या ले जाने का वादा किया था, जहां पर वे जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और अब बात दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां कार में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण अज्ञात है, अभी पता नहीं चला कि आखिरकार आग लगी कैसे है। जवाहरनगर की पूरी घटना, मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखेंगे जब कार में आग लगी, आग कैसे लगी है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। दुर्ग का ये पूरा घटनाक्रम, जहां खड़ी कार में आग लग गई और आग लगने के कारण अज्ञात है धू धू कर पूरी कार जलने लगी, मामला जांच का विषय बना हुआ है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। सिंगरौली के बरगवा थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में आग लग गई और आगजनी में दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना के बाद पहुंची दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया और ये देखिए यहां पर पुलिस खुद मशक्कत करती हुई नजर आई, जो कि आग को बुझाने की तमाम कोशिश करती रही और जब तक आग को बुझाया जाता पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। मुंगेली जिले में भी धान की बंपर खरीदी से किसान खुश हैं। जिले में इस बार जिले के 105 धान खरीदी केंद्रों में 1,19,000 किसानों से 55,81,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई, जबकि लक्ष्य 48,00,000 क्विंटल था। आज अंतिम दिन भी लगभग 5,000 क्विंटल धान की खरीदी होनी है। 58% धान का उठाव हो चुका है, किसान भी इससे काफी खुश हैं। तो दुर्ग में कार में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, पूरी खबर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर होंगे।